नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु दत्त IBS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जहां से हम लोग अगले 1 से 1.5 घंटे में पूरा का पूरा कंप्लीट हरियाणा GK यानी हरियाणा से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल बातें वो आपसे किसी भी पेपर में पूछता है तो वो सारी बातें हम लोग जान रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या आगे भी डिफरेंट डिफरेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अगले 1 से 1.5 घंटे में हम लोग आप पूरे के पूरे हरियाणा जीके का एक क्विक रीजन ले पाएंगे, जहां से मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा बना कैसे, हरियाणा की बाउंड्री, हरियाणा की सीमाएं, हरियाणा में कौन सी नदियां बहती है, यानी बिल्कुल बेसिक से हरियाणा बनने से लेकर के उसके बाद हरियाणा का जो इतिहास है थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग, पुराने इतिहास की बात नहीं करेंगे। ठीक है, और हरियाणा के बारे में नॉर्मल से फैक्ट जो आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, हरियाणा की पॉपुलेशन के बारे में आपसे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, हरियाणा के यूनिवर्सिटीज, झील, बांध, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरियाणा में जितनी लड़ाइयाँ हुई है, हरियाणा की पहाड़ियाँ, ठीक है, और जितने भी खनिज संसाधन मिलते हैं, हरियाणा की नदियाँ, वन, झाड़ियाँ, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम ओवरऑल थोड़ा सा रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे, ताकि आप किसी भी पेपर में बैठे तो वहाँ आपके लिए आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हरियाणा की मॉडर्न हिस्ट्री से कि 1833 के आसपास से लेकर के आज का जो हमारा हरियाणा है, यानी कि 2018 तक, 1833 से 2018 तक का हरियाणा कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होती है 1833 से। एक बात मैं आपको यहां से बता दूं, आपको इसमें नजर आने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहीं आप ये सोच रहे हो कि इसमें पढ़ने वाला, ये मैंने अपने लिए थोड़े थोड़े हिंट डाले ताकि हमें पढ़ना कैसे है बस वो मैं आपको दूं, तो आपको मुझे सिर्फ ध्यान से सुनना है, बाकी काम मेरा है कि मैं आपका ध्यान कैसे आकर्षित करता हूं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख करके जाइए, 2-3 बार इसको सुनिए, आप किसी भी टाइम, आप सोते हुए, जगते हुए, यानी 1-1.5 घंटा आपके पास जब भी होगा और आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपका एक पूरे हरियाणा का एक आपको क्विक रीजन मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से हमने ये बनाई है, कोई ज्यादा, यानी 1-1.5 घंटे में अगर किसी को पूरा हरियाणा देखना है कि हरियाणा से रिलेटेड कितने सवाल पेपर में पूछे जाते हैं और उनके बारे में जानकारी लेनी है तो ये वीडियो उन्हीं के लिए अनुचित है, वरना आपको एक बार बुक पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1833 से अगर मैं बात करूं 1833 में, तो 1833 के अंदर जो हरियाणा था वो उत्तर प्रदेश की कानपुर रियासत का हिस्सा होता था। 1833 की अगर हम लोग बात करें तो फिर 1858 के अंदर पहली बार हरियाणा को उधर से निकाल करके पंजाब में मिलाया गया। 1858 में हरियाणा किसका हिस्सा हो गया था, पंजाब का। ठीक है, तो 1858 में पंजाब में मिलाए जाने के बाद, तो उसी के बाद अलग हरियाणा बनाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हुई, लोगों ने धीरे धीरे विरोध करना शुरू किया। तो सबसे पहले विरोध करने वालों में कौन था, 1907 के अंदर 1907 में सबसे पहले लाला लाजपत राय और जो हमारे कालका से हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय और आसफ अली, ठीक है, आसफ अली जी का संबंध कहाँ से है, कालका से है, तो इन्हीं लोगों ने सबसे पहले अलग हरियाणा बनाने की मांग उठाई थी। और जो लाला लाजपत राय जी हैं वो लाला लाजपत राय जी की कर्म भूमि माना जाता है हिसार को, तो हरियाणा के हिसार को लाला लाजपत राय की क्या माना जाता है, कर्म भूमि। और लाला लाजपत राय ही है जिन्होंने असहयोग आंदोलन या हरियाणा के अंदर कांग्रेस, हिसार के अंदर कांग्रेस की स्थापना करी थी, तो वो भी किसने करी थी, लाला लाजपत राय ने। और जो आसफ अली है उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो आसफ अली का संबंध कालका से है और उनकी जो धर्मपत्नी है अरुणा आसफ गांगुली वो हरियाणा की एकमात्र भारत रत्न महिला है जिनको 1997 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो हरियाणा की एकमात्र महिला है कौन, अरुणा आसफ गांगुली, जिनको 1997 में क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो उसके बाद 1907 के बाद 1925 में जो परिजादा मोहम्मद हुसैन है उन्होंने भी एक अलग हरियाणा बनाने की मांग उठाई थी, पर उनकी कोशिशें भी सफल नहीं हो पाई। फिर 1932 के अंदर जो दीन बंधु गुप्त थे उन्होंने भी एक अलग हरियाणा बनाने की मांग उठाई, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई। और 1946 के अंदर जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे पटाबी सीतारमैया, उन्होंने भी दीन बंधु गुप्त की मांग का समर्थन किया था, पर वो बात भी सिरे नहीं चढ़ पाई थी, तो 1946 में भी प्रयास असफल रहे। उसके बाद हिंदुस्तान आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद हरियाणा किसका हिस्सा था, पंजाब का हिस्सा था, तो पहली बार जो सीएम बने पंजाब के सीएम तो वो हरियाणा के सीएम होंगे 1947 में, तो वो कौन थे,
आपके गोपीनाथ भार्गव, ठीक है। और गोपीनाथ भार्गव का संबंध कहां से है? सिरसा से। तो पंजाब के पहले सीएम थे कौन? गोपीनाथ भार्गव। और जिनका संबंध कहां से था? हरियाणा के सिरसा जिले से उनका संबंध था। तो उसके बाद 1948 में बच्चे मास्टर तारा सिंह ने भी एक अलग हरियाणा बनाने की मांग उठाई थी। उन्होंने बेसिकली पंजाबी सूबे की मांग रखी थी कि हिंदी भाषा बोलने वालों को अलग कर दो और पंजाबी भाषा बोलने वाले अलग हो जाएंगे। तो फिर 1949 के अंदर 1 अक्टूबर 1949 को पहली बार कौन पंजाब के सीएम थे? भीमसेन सच्चर, ठीक है। वो सच्चर फॉर्मूला लेकर के आए थे। और उस सच्चर फॉर्मूले में क्या था कि पूरे के पूरे पंजाब को दो भागों में बांट दिया जाए, जहां एक तरफ वो लोग रहेंगे जो हिंदी भाषा बोलते हैं और एक तरफ वो लोग रहेंगे जो पंजाबी भाषा बोलते हैं। पर उनकी भी ये मांग सफल, यानी उनका भी ये जो कोई भी कार्यवाही थी ये सफल नहीं हो पाई थी। तो ये ध्यान रखना, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता आपसे कि सच्चर फॉर्मूला कौन लेकर के आया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री, दूसरे मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लेकर के आए थे। उसके बाद फिर 1953, ठीक है, 1953 के अंदर, ठीक है। तो धीरे 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 क्या हुआ था कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद विभिन्न जो जातियों के लोग हैं, ठीक है, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था कि अलग 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 भाषा के आधार पर। सबसे पहले जैसे तेलुगु भाषी लोगों ने सबसे पहले विद्रोह किया कि हमें एक अलग स्टेट दिया जाए। तो 1953 के अंदर 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला स्टेट क्या था? आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश बनने के बाद फिर जगह जगह पर बहुत सारे जो है रोष प्रकट करने लगे लोग कि हमें भी एक अलग भाषा बोलने वाले, कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, हमें भी एक अलग राज्य चाहिए। तो इस बात से दुखी होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक आयोग बनाया था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फजल अली आयोग, ठीक है। तो ये फजल अली आयोग बनाया गया और ये फजल अली सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। तो उस कमेटी के अंदर तीन लोग थे, हरदनाथ कंजरू और एक जो हमारे पाणिक्कर साहब, ठीक है, के एम पाणिक्कर और हरदनाथ कंजरू और फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो तीनों लोगों ने कि एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी को ये काम सौंपा गया कि आप पूरे हिंदुस्तान में घूमकर देखिए और देखिए कि कौन कौन से नए स्टेट बनाने की हमें जरूरत है और कौन से नहीं। तो इन लोगों ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इनकी रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने कहा कि पूरे इंडिया को अगर हम 16 राज्य और 3 यूटीज में बांट दें तो ये ठीक रहेगा। पर इनकी ये जो रिपोर्ट है, ये मांग जो है, ये संसदीय कमेटी के सामने सफल नहीं हो पाई और ये रिपोर्ट रद्द कर दी गई। तो उसके बाद 1956 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक अक्षेत्रीय फॉर्मूला लेकर के आया गया, गठित किया गया, ठीक है। और इस अक्षेत्रीय फॉर्मूले के आधार पर हमें पहली बार हिंदुस्तान को 14 राज्य और 6 यूटीज मिले। लेकिन इन 14 राज्य और 6 यूटीज में हरियाणा का नाम नहीं था। हालांकि जो फजल अली आयोग की रिपोर्ट थी, ऐसा माना जाता है कि उसमें हरियाणा का नाम था, हरियाणा भी एक जिला था, लेकिन जो अक्षेत्रीय फॉर्मूले के तहत 14 राज्य और 6 यूटीज बने उसमें हरियाणा का नाम नहीं था। और उसी 1956 के दौरान एक घटना और हुई थी कि पंजाब के अंदर जो हमारे प्रताप सिंह कैरो थे, प्रताप सिंह कैरो की सरकार थी और प्रताप सिंह कैरो ने क्या किया कि पंजाबी भाषा को मैंडेटरी घोषित कर दिया 1956 के अंदर पंजाब के अंदर। तो जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग थे उनके अंदर और विद्रोह की भावना पैदा होगी कि पंजाबी जो भाषा को अगर मैंडेटरी कर दिया तो हमारा क्या होगा, तो हर तरह की सुविधाएं तो पंजाबी ले जाएंगे, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो चाहे वो किसी भी तरह से हो। तो एक विरोध की भावना पैदा हुई और धीरे 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 लोगों में ये प्रेशर आपस में बढ़ता गया कि क्यों ना एक अलग हरियाणा हम लोगों के लिए अलग स्टेट की मांग उठाई जाए। तो फिर 1965 में पहली बार सरदार हुकम सिंह, जो लोकसभा के स्पीकर हैं सरदार हुकम सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और इस कमेटी ने पूरा सर्वे किया पंजाब का और उसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी पंजाब उसके अंदर और विधानसभा के अंदर और वहां से फिर इनकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और पहली बार, ठीक है, एक अलग हरियाणा बनाने की जो मांग थी वो प्रबल होती हुई दिखाई दी। और 23 अप्रैल 1966 को पहली बार एक कमेटी बनाई गई, एक आयोग बनाया गया जिसे हम लोग सीमा आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस सीमा आयोग को ही हम लोग जेसी सा आयोग भी कहते हैं, जेसी सा आयोग। तो इसके 3 सदस्य थे, एक जेसी सा, एक एम एम फिलिप और एक एस दत्त,
इन तीनों के मार्गदर्शन में एक कमेटी गठित की गई और इस कमेटी को देखना था कि कौन सा हिस्सा हमें पंजाब में रखना है, कौन सा हरियाणा में रखना है, ठीक है। तो ये सारा काम इसको सौंपा गया और मई 1966 के अंदर इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इस रिपोर्ट के बाद 18 सितंबर 1966 को विधानसभा के अंदर पार्लियामेंट के अंदर एक पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित हो गया और उसके तहत एक नया हरियाणा बनाने का जो सपना था लोगों का वो पूरा होता हुआ दिखाई दिया गया, ठीक है। तो 1 नवंबर 1966 को इस हिसाब से हरियाणा एक नए राज्य के रूप में जन्म लेता है और इससे पहले पूरे हिंदुस्तान में 16 राज्य थे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1956 में हमें कितने राज्य मिले थे, 14 राज्य 6 यूटी, और 56 के बाद फिर 1960 के अंदर पहले बंबई होता था, तो बंबई में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों थे, तो एक ही होता था ये बंबई, तो बंबई को तोड़ करके दो अलग अलग स्टेट बना दिए गए, क्या, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इस हिसाब से हमारे 15 स्टेट हो चुके थे, लेकिन 1961 में जो नागा जाति के लोग हैं उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया और 1963 में नागालैंड के रूप में एक नया राज्य बनता है। तो इस तरह से 16 राज्य पहले थे और 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का जन्म होता है 1 नवंबर 1966 को। तो यह बात ध्यान रखिए कि हरियाणा कौन से राज्य के रूप में बना, तो 17वें राज्य के रूप में बना और संविधान के 7वें संशोधन के तहत इसको बनाया गया, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को। तो जब हरियाणा बना पूरा का पूरा, तो उस समय एक तो भारत के जो राष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे और 7वें संशोधन के तहत बना, 17वें राज्य के रूप में बना और सबसे बड़ी और बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछता है, धीरे धीरे करके एक 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 बात का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। बस आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले बुक पढ़ी हुई है या थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ा हुआ है, तो आप एक क्विक रिवीजन ले सकते हैं पूरे हरियाणा के बारे में, या जो बच्चा पहली बार इसको देख रहा है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए और आपको फोकस करना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। उन सब बातों को नोट्स में के रूप में लिखिए तो यकीनन आपको, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, अब हरियाणा बनने के बाद बहुत सारे जो स्टैटिक जो या मैं फैक्ट की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं हरियाणा के बारे में जहां से वो पेपर में अक्सर सवाल पूछता है। तो सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूं तो हरियाणा की सीमा का अगर हम लोग जिक्र करें कि हरियाणा के हिस्से में कितना क्षेत्रफल आया, कितनी भूमि मिली या कौन से उसके अंदर है हरियाणा, तो इन सब बातों का अगर हम सबसे पहले जिक्र करें तो बच्चे ये पूरा का पूरा हरियाणा का मैप है, आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को हमने दर्शाया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, तो सारी झील नदियां ये वो सब मैं आपको इसी मैप के थ्रू समझाने वाला हूं और पूरी की पूरी सब बातों का हम लोग यहां पर जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो हरियाणा है ना ये भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है, ठीक है। क्या है, हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है जिसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 28 मिनट से 70 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, ग्रुप डी के अंदर यही एक सवाल आया हुआ था कि हरियाणा का उत्तरी अक्षांश कितना है, तो एक फोन नंबर की तरह आप इसको याद कर सकते हैं, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 28 मिनट से 70 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वो हरियाणा स्थित है। अब इसकी बाउंड्री की बात करें हम लोग कि हरियाणा की सीमा किन किन जिलों को टच करती है, हरियाणा के पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, तो ये हरियाणा का सबसे पहले ये उत्तरी हिस्सा है। अगर हम लोग यहां बात करें तो उत्तरी हिस्से में कौन कौन आता है, हरियाणा के पंचकूला आपका उत्तरी हिस्से में आता है पूरा का पूरा, ये आपका जो हिमाचल प्रदेश को टच करता है, यहां से हिस्सा किसको टच करता है, आपका एचपी से हिमाचल प्रदेश से टच करता है। अगर मैं सीमा की बात करूं तो हरियाणा के 3 जिले और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले आपस में टच करते हैं, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, हरियाणा के कितने जिले, 3 जिले, और हिमाचल प्रदेश के कितने जिले, 2 जिले हरियाणा को टच करते हैं, तो ये हरियाणा का उत्तर है। तो आपको कभी भी पूछे कि हरियाणा के उत्तर में कौन सा स्टेट यानी कौन सा राज्य अवस्थित है, तो आपका कौन सा अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश हरियाणा के उत्तर में। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं यहां से यमुनानगर की तरफ, यमुनानगर करनाल पानीपत ये सारी की सारी हरियाणा की पूर्वी सीमा है, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, कौन सी सीमा, हरियाणा की पूर्वी सीमा है। तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा स्टेट कौन सा राज्य अवस्थित है, तो हरियाणा के पूर्व में कौन है, उत्तर प्रदेश, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, ये हरियाणा का पूरा पूर्व है
और यहां से जो यमुना नदी है वो किसके साथ उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है 320 किलोमीटर लंबी, ठीक है। तो ये सारा हरियाणा का क्या है बच्चे, पूर्व है, जहां यमुनानगर करनाल पानीपत ये आपका पूरा एरिया है और यहां जो यमुना नदी है वो उत्तर प्रदेश के साथ 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, तो ये हरियाणा का पूर्वी हिस्सा है। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। तो अगर ये बात करें तो हरियाणा के कितने जिले उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, तो हरियाणा के 7 जिले और यूपी के 5 जिले हरियाणा को टच करते हैं। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। अगर मैं इधर की बात करूं, अगर हम पंचकूला से इधर अंबाड़ा कैथल फतेहाबाद सिरसा की तरफ बढ़े तो ये हरियाणा का सारा इधर की तरफ, ये पश्चिमी इलाका है। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है हरियाणा का, ये पश्चिमी एक क्षेत्र है। तो पश्चिम में हरियाणा को कौन टच करता है, आपका पंजाब। आ गया समझ में, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम यानी उत्तर से बढ़ेंगे तो ये पूरा हम लोग, तो बच्चों ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये आपका पश्चिमी हिस्सा है। तो इधर की तरफ ये आपका सिरसा जो है ये पश्चिम में पड़ता है, तो ये पूरा का पूरा आपका उत्तर पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम में कौन पड़ता है, आपका पंजाब, ठीक है। तो पश्चिम में आपका कौन पड़ता है, सिरसा। तो अगर अब मैं सिरसा से आगे इधर की तरफ बढ़ूं तो ये आपका ये इधर की तरफ कौन सा हिस्सा आ जाएगा, ये सारा यानी ये दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो ये आपका जो फतेहाबाद हिसार भिवानी या ये हम बोल सकते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम की तरफ है, ये आपका कौन सा इलाका पड़ेगा, इधर कौन सा स्टेट पड़ेगा, राजस्थान, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा राजस्थान होगा जो हरियाणा को दक्षिण पश्चिम की तरफ से टच करता है, जहां सिरसा फतेहाबाद हिसार भिवानी ये सब किसको टच करते हैं, आपके राजस्थान को टच करते हैं। तो आगे ये पूरा का पूरा दक्षिणी हिस्सा आता है हरियाणा का, जहां महेंद्रगढ़ रेवाड़ी गुरुग्राम नो फरीदाबाद चरखी दादरी झज्जर, तो ये पूरा का पूरा आपका ये कौन सा हिस्सा है, आपका ये आपका दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बाउंड्री थी हरियाणा की, जहां से हरियाणा के उत्तर में कौन है बच्चे, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। आपके यहां उत्तर पश्चिम में कौन है, आपका पंजाब। और यहां उत्तर सॉरी दक्षिण पश्चिम में कौन है, आपका राजस्थान। और दक्षिण में इधर की सॉरी उत्तर आपका ये वाला हिस्सा पूर्व की तरफ कौन है, आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो यहां से हमने जिक्र किया कि और कौन से आपका जो यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है जो हरियाणा को टच करते हैं, तो ये तो सिंपल सी बात ही, सिर्फ स्टेट्स के बारे में। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो हरियाणा दो यूनियन टेरिटरीज को टच करता है, केंद्र शासित प्रदेश को, एक किसको, दिल्ली को, और एक चंडीगढ़ को। तो चंडीगढ़ को हरियाणा ये उत्तर की तरफ से ये पंचकूला जो है ये चंडीगढ़ को टच करता है। तो चंडीगढ़ को यानी राजधानी हरियाणा की चंडीगढ़, उसको टच करने वाला एकमात्र जिला कौन है, हरियाणा का पंचकूला। और जो दिल्ली है, दिल्ली को हरियाणा तीन तरफ से टच करता है। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। दिल्ली को हरियाणा तीन तरफ से टच करता है। अगर मैं उत्तर की बात करूं तो नेशनल हाईवे नंबर 44, पहले जो नेशनल हाईवे नंबर 1 होता था उसका नाम चेंज होकर अब क्या हो गया, नेशनल हाईवे नंबर 44। तो नेशनल हाईवे नंबर 44 पे हरियाणा उत्तर की तरफ से दिल्ली को टच करता है, यानी हरियाणा का कौन, सोनीपत। और अगर मैं पश्चिम की तरफ से बात करूं तो हरियाणा में पश्चिम की तरफ से कौन, झज्जर दिल्ली को टच करता है। और अगर हम लोग किसकी तरफ से बात करें, दक्षिण की तरफ से बात करें, तो दक्षिण की तरफ से कौन टच करता है दिल्ली को, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो हरियाणा दिल्ली को पूर्व की तरफ से टच नहीं करता। तो आपसे कभी भी पेपर में पूछा जाए तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो ये नॉर्मल बाउंड्री थी हरियाणा की कि कौन कितने राज्यों को हरियाणा टच करता है। और यहाँ से छोटी मोटी बात और बता दूं मैं आपको कि सबसे लंबी सीमा हरियाणा किसके साथ बनाता है, तो हरियाणा सबसे लंबी सीमा यहाँ राजस्थान के साथ बनाता है, ठीक है। ये हरियाणा की सबसे लंबी बाउंड्री है जो किसी भी राज्य के साथ हरियाणा साझा करता है, तो वो किसके साथ साझा करता है, राजस्थान के साथ। 1262 किलोमीटर की बाउंड्री है ये, कितने की है, 1262 किलोमीटर की बाउंड्री हरियाणा किसके साथ साझा करता है, राजस्थान के साथ। और हरियाणा सबसे कम बाउंड्री जो है यहाँ हरियाणा, यमुनानगर जो है हरियाणा का, ये उत्तराखंड को भी टच करता है। किसको टच करता है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का यानी कौन, देहरादून के साथ यमुनानगर की 11 किलोमीटर की सबसे छोटी बाउंड्री बनाता है, ठीक है। कितने किलोमीटर की, 11 किलोमीटर की, किसके साथ, उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड का देहरादून और हरियाणा का यमुनानगर एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस तरह से हरियाणा टोटल मिलाकर के 5 राज्यों को टच करता है। इधर से कौन, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर आपका यूपी, इधर से पंजाब और इधर से राजस्थान। तो 5 राज्यों को हरियाणा टच करता है, 2 यूनियन टेरिटरीज को टच करता है, 1 दिल्ली, दिल्ली को 3 तरफ से टच करता है, और 1 चंडीगढ़ को, हरियाणा का पंचकूला एकमात्र जिला है जो चंडीगढ़ को टच करता है। क्लियर है सबको। तो ये हरियाणा की सीमा थी कि कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ टच करते हैं। धीरे धीरे हम आगे आने वाले टॉपिक्स में बांध, झील, नदियां, ये सब मैप के माध्यम से ही समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्चुअल बातें जो हमें किसी भी पेपर के लिए बहुत जरूरी है जाननी, जहां से आपसे एक सवाल पूछता है तो उन सबका जिक्र करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जब हरियाणा बना था तो हरियाणा के अंदर जो विधानसभा की सीटें थी वो कितनी थी, 54,
समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, जब हरियाणा बना तो हरियाणा में कितने जिले थे सबसे पहले, अगर चलो इनसे पहले हम लोग जिलों का ही जिक्र करते हैं, तो जब हरियाणा बना था तो आपका सबसे पहले जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम पे हरियाणा में कितने जिले थे आपके, 7 जिले थे। कौन कौन से, सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम आपका, ठीक है। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को कौन कौन से जिले बने, तो कौन कौन बना, गुरुग्राम, हिसार, कहां गया हिसार, अंबाड़ा, ठीक है, आपका रोहतक, जींद, ठीक है, करनाल और महेंद्रगढ़, ये रहा आपका महेंद्रगढ़, ठीक है। तो ये 7 जिले थे जब हरियाणा बना था आपका। तो हरियाणा बनने के समय आप एक, मैं आपको एक फॉर्मूला भी देता हूं, उससे भी आप याद कर सकते हैं, घर जम्मू कश्मीर में, समझ रहे हैं। ये वो 7 जिले हैं जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम पे बने थे। घर जम्मू कश्मीर का मतलब है जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाड़ा, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। ये 7 जिले हैं जब हरियाणा बना, तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। और इन उस टाइम पे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था हिसार और सबसे छोटा जिला था जींद, ठीक है। तो ये जब बने थे 7 जिले तब की बात है। उसके बाद फिर और जिले कब कब बने उनके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। सबसे पहले अगर बात करें 1 नवंबर 1966 को 7 जिले बने, तो उसके बाद 1972 में हरियाणा के 2 जिले बने, ठीक है। एक कौन, एक भिवानी और एक कौन, सोनीपत, ठीक है। आपका भिवानी और सोनीपत दो राज्यों का जिक्र, यानी ये दोनों राज्य कब बने थे, 1972 में। फिर 1972 के बाद 1973 में कौन बना, सिरसा। आपका सिरसा कब बना, 1973 के अंदर, और सॉरी 1973 में आपका पहले बना कुरुक्षेत्र, ठीक है। 1973 कौन बना, कुरुक्षेत्र। फिर 1975 के अंदर कौन बना, सिरसा। आगे सुन में, जो वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, 1975 सिरसा। उसके बाद 1979 के अंदर आपका कौन बनाया था, फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद 1979 के अंदर। और फिर 1989 में 4 जिले बने। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि 1989 में कितने जिले बने, तो 4 जिले बने थे। कौन कौन से, कृपावी हरियाणा पे कैथल, सबसे पहले कैथल, फिर रेवाड़ी, रेवाड़ी, और रेवाड़ी के बाद कौन, पीछे पानीपत, ठीक है। पानीपत ऐसा जिला है हरियाणा में, अभी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में ये पूछा भी गया था कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो 2 बार बना, ठीक है। तो हरियाणा का 2 बार बनने वाला जिला कौन सा है, पानीपत जिला आपका 2 बार बनने वाला है, ठीक है। तो कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर आपका, ठीक है, कौन, यमुनानगर। तो ये चारों जिले कब बने थे, 1989 के अंदर। फिर 1989 के बाद, और 1989 कई मायने में महत्वपूर्ण है, एक तो संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन भी हमारा 1989 में हुआ था, जिसके तहत वोट डालने की जो उम्र है वो 21 साल से कितनी कर दी गई थी, 18 साल। तो ये सब भी कब हुआ था, 1989 के अंदर। तो 1989 के बाद फिर 1997 के अंदर 1997 में आपके 2 जिले बने, एक फतेहाबाद और एक झज्जर, ठीक है। फतेहाबाद और झज्जर दोनों जिले आपके कम बने थे 1997 के अंदर। फिर 2003-04 या 4-5 कह लीजिए, उसमें आपका नू, मेवात का जन्म हुआ। और फिर 2008 में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना, पलवल, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं क्या, पलवल हमारा 2000 कब बना था, 8 के अंदर बना, ये बिल्कुल बाउंड्री पे है इधर, ठीक है, दिल्ली को टच करता हुआ उधर, पलवल 2008 में बना। और फिर 2016 में आपका कौन बना, भिवानी से अलग होकर के चरखी दादरी, आपका सबसे अंतिम जिला था कौन, चरखी दादरी, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। तो 2016 में चरखी दादरी बना। और तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जिलेवार विवरण था कि हरियाणा के कौन से जिले कब बने, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन है, सिरसा, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और सबसे छोटा जिला आपका कौन सा है, फरीदाबाद, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। सबसे छोटा जिला कौन सा है, फरीदाबाद, समझ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा जिला सिरसा, सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि हरियाणा के अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं। देखो अगर मैं सीटों की बात करूं, विधानसभा की सीटों की बात करूं, तो जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा में विधानसभा की 54 सीटें थी, कितनी थी, 54। 1967 के अंदर इनको बढ़ा करके 81 कर दिया गया, 1967 में ये कितनी होगी थी, 81। और 1977 के अंदर फिर इनको परिसीमन आयोग के तहत इनकी संख्या निश्चित कर दी गई, कितनी कर दी गई, 90। तो
आज भी हरियाणा के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। पर अगर उनमें से ये बात करें, बहुत बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि उनमें से रिजर्व सीट कितनी है, तो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 17 सीटें हरियाणा में आरक्षित है। टोटल सीट कितनी है? 90। आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 17। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं हरियाणा में? लोकसभा की 10 सीटें हैं, और 10 में से 2 सीटें आरक्षित हैं, जो कि अंबाला और सिरसा की है। सिरसा से विधायक चरणजीत रोड़ी, अंबाला से रतनलाल कटारिया, ये दोनों की दोनों सीटें आपकी लोकसभा की रिजर्व सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा की 5 सीटें हैं हरियाणा के अंदर। कितनी सीटें हैं? 5 सीटें, ठीक है। तो ये बातें थी कि हरियाणा में कितनी सीटें हैं, कौन सी सीट कब बनी और कौन से डिस्ट्रिक्ट कब बने। इसके बाद हम लोग जानते हैं, थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हरियाणा के बारे में पता होनी चाहिए। तो जैसे कि हरियाणा का जो राजकीय खेल है, इनसे भी बहुत बार पेपर में सवाल पूछ लेता है। सबसे पहले बात करें राजकीय खेल, तो हरियाणा का जो राजकीय खेल है बच्चे, वो क्या है? कुश्ती है आपका। हरियाणा का राजकीय खेल, आपको अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे दिख भी रहा होगा, सारी चीजें आप पढ़ भी सकते हैं बोर्ड पे आराम से। तो हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? कुश्ती। हरियाणा का राजकीय पशु की अगर मैं बात करूं तो ब्लैक बक, ठीक है। क्या? ब्लैक बक, काला हिरण। अगर पक्षी की बात करें तो ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये इनके साइंटिफिक ऑफिशियल नाम है, यानी कि काला तीतर आपका क्या है? राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प की बात करूं तो नेलेम्बो न्यूसिफिस, ठीक है, यानी कि कमल का फूल हमारा क्या है? राजकीय फूल है। और वृक्ष की बात करें तो फिकल रेलिगोमा, यानी कि पीपल का जो वृक्ष है हमारा, वो राजकीय वृक्ष है। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, हमने पढ़ लिया कि हरियाणा में डिवीजन या मंडल कितने हैं, समझ रहे हैं। तो हरियाणा में मंडल्स की संख्या पहले 4 होती थी, अब हरियाणा में कितने मंडल है? 6 मंडल है हरियाणा के अंदर। और वो 6 मंडल कौन कौन से हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। घर, KF, GHARKF, इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चे? जी का मतलब है गुरुग्राम, ठीक है। तो आपका जो गुरुग्राम मंडल है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये भी कई बार सही मिलान में पूछ लेता है कि विच वन, या ये पूछ लेगा कि इनमें से गुरुग्राम मंडल के अंदर कौन सा आता है, हिसार में कौन सा आता है, अंबाला में कौन सा आता है। तो सबसे पहले अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो जो गुरुग्राम डिवीजन है आपका, उस गुरुग्राम में आपके 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, तीनों साथ साथ है। महेंद्रगढ़ को टच करता हुआ रेवाड़ी, रेवाड़ी को टच करता हुआ गुरुग्राम, तो ये तीनों के तीनों आपके किस में आते हैं? गुरुग्राम डिवीजन के अंदर आते हैं। इसके बाद है आपका एच से हिसार, तो हिसार की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हिसार है। हिसार डिवीजन के अंदर आपके 4 जिले आते हैं, एक तो हिसार खुद हो गया, हिसार को टच करता हुआ बिल्कुल बराबर में फतेहाबाद, और फतेहाबाद को टच करता हुआ सिरसा, और इधर से हिसार को टच करता हुआ जींद, समझ रहे हैं। जींद यानी कि इन चारों की अगर मैं बात करूं तो सिरसा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हरियाणा का एट प्रेजेंट। जो फतेहाबाद है इसको पिंक सिटी के नाम से भी बोलते हैं, जानते हैं। हिसार एक ऑटो मार्केट का हब है पूरा का पूरा, बहुत सारी चीजें इनके बारे में अलग अलग लास्ट में हम लोग जानेंगे। और जींद जिला ऐसा है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों को टच करती है, 7 जिलों को टच करती है। तो ये चारों के चारों, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा आपके किस में आते हैं? हिसार मंडल के अंदर। हिसार के बाद बात करें तो अंबाला मंडल आ गया आपका। अंबाला में कौन कौन आता है बच्चे? देखो ये अंबाला, अंबाला में ऊपर की तरफ कौन है? यमुनानगर, और बराबर में इधर की तरफ कौन है? कुरुक्षेत्र। तो आपके 3 जिले किस में आते हैं? अंबाला मंडल के अंदर आते हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सॉरी 4, और पंचकुला भी आपका अंबाला डिवीजन में ही आता है। तो चारों के चारों, अंबाला की सीमा तीनों को टच करती है, पंचकुला को भी, कुरुक्षेत्र को भी और यमुनानगर को भी, तो तक मंडल के अंदर आते हैं। फिर बात करें कैसे करनाल, तो करनाल के अंदर कौन आता है? करनाल के अंदर आपका पानीपत और कैथल, समझ रहे हैं। 3 जिले हैं जो आपके किस में आते हैं? करनाल डिवीजन में आते हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। उसके बाद बात करें एफ से फरीदाबाद, समझ रहे हैं। तो फरीदाबाद में कौन कौन आता है? फरीदाबाद, नू और पलवल, ये तीनों जिले आपके किस में आते हैं? फरीदाबाद डिवीजन के अंदर आते हैं। तो ये हरियाणा के क्या थे? डिवीजन थे, समझ रहे हैं। अब हम बात करें पुलिस कमिश्नरी या पुलिस रेंज की, समझ रहे हैं कि हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है या कितनी पुलिस रेंज है। तो हरियाणा के अंदर 5 आपकी पुलिस रेंज है और 3 आपकी पुलिस कमिश्नरी है। तो पुलिस रेंज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हिसार, ठीक है, हिसार में पुलिस रेंज है, यानी इस घर के एफ से अगर हम लोग ये घर जी हटा देंगे और एफ हटा देंगे, यानी जी और एफ हटा दो, तो ये 4 आपकी पुलिस रेंज बच जाती हैं और 3 आपकी पुलिस कमिश्नरी है। और एक और पुलिस रेंज है जिसे हम लोग रेवाड़ी रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले हिसार की बात करूं तो हिसार
रेंज के अंदर कौन कौन आता है? आपका हिसार आता है, वही जींद आएगा आपका, जींद के बाद फतेहाबाद और सिरसा, ये सारे आपके हिसार रेंज में आते हैं। अगर ए से बात करें अंबाड़ा में, अंबाड़ा में आपका कौन आता है? अंबाड़ा में आपका कुरुक्षेत्र और यमुनानगर आता है, क्योंकि पंचकुला एक पुलिस कमिश्नरी है, पुलिस रेंज में नहीं आता पंचकुला, तो अंबाड़ा रेंज में अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर होंगे। आर से रोहतक की बात करें तो रोहतक में वही पांच, फिर से रोहतक, चरखी दादरी, जज्जर, सोनीपत और भिवानी, ये सारे के सारे आपके रोहतक रेंज में आते हैं। और करनाल में बात करें तो करनाल में कुरुक्षेत्र और सॉरी करनाल में कैथल और पानीपत होगा आपका। और जो रेवाड़ी रेंज होगी, रेवाड़ी रेंज में फिर ये सारे आ जाएंगे, रेवाड़ी आपका, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नू, पलवल, ये सारे आपके रेवाड़ी रेंज में आते हैं। और गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला, कौन कौन? गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला, ये तीन आपकी क्या है? जीपीएफ, यानी कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तीनों की तीनों आपकी पुलिस कमिश्नरी है, ठीक है। एक पुलिस जिला भी है हरियाणा के अंदर, हांसी, समझ रहे हैं? एक नया पुलिस जिला बहुत दिनों से चर्चाओं में है, अभी बात ही नहीं चढ़ पाई मानेसर को बनाने की, ठीक है। अगर सबसे पुरानी अगर पुलिस कमिश्नरी की बात करें, सबसे पहली पुलिस कमिश्नरी आपकी गुरुग्राम में बनी थी, और सबसे अगर नई पुलिस रेंज की बात करें तो वो अंबाड़ा के अंदर, ठीक है। तो इतना सा ध्यान रहेगा सबको। उसके बाद कुछ और फैक्ट देखते हैं हम लोग, ये पुलिस कमिश्नरी, पुलिस रेंज, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हमने जाना। अब अगर बात करें हरियाणा की पॉपुलेशन से रिलेटेड, जनसंख्या घनत्व से, लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता कितनी है, या कौन कौन सी बातें कहाँ कहाँ हैं, तो उन सब के बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चे मैं बात करूँ हरियाणा की पॉपुलेशन की, तो हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो 2,53,51,462 है। कितनी? 2,53,51,462, समझ रहे हैं क्या है हरियाणा की पॉपुलेशन है, जिनमें मेल जो है यानी पुरुषों की जनसंख्या लगभग 1,34,00,000 है, और महिलाओं की जनसंख्या 1,18,00,000 है। दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूं, हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462, पुरुषों की जनसंख्या 1,34,00,000, महिलाओं की 1,18,00,000। और उनमें से अगर शहरी आबादी की बात करें कि शहरों में कितने लोग रहते हैं, तो लगभग 88,00,000 लोग शहरों में रहते हैं, और 1,65,00,000 लोग आपके कहां रहते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? कितने? 88,00,000 लोग शहरी क्षेत्र में, 1,65,00,000 लोग ग्रामीण क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा पुरुष कहां रहते हैं, सबसे ज्यादा पुरुषों की जनसंख्या कौन से जिले में है, सबसे ज्यादा पुरुषों की जनसंख्या आपकी कहां पे है? भिवानी के अंदर। सबसे ज्यादा महिलाएं किस जिले में पाई जाती है? नहीं मिल है, सबसे ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या कौन से जिले में है, तो वो फरीदाबाद में है। पुरुषों की कहां है? भिवानी के अंदर। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? अगर मैं ये बात करूं कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, ठीक है, कंप्लीट किसी शहर की पॉपुलेशन है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन फरीदाबाद की है। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? हरियाणा का सबसे बड़ा पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? सिरसा। और पॉपुलेशन की दृष्टि से कौन है? फरीदाबाद। लेकिन पुरुषों की जनसंख्या सबसे ज्यादा भिवानी के अंदर है। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो फरीदाबाद की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद हिसार का नंबर आता है। अगर सबसे कम की बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला हमने जिक्र किया था कौन है? फरीदाबाद। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है आपका? पंचकुला। उसके बाद किसका नंबर आता है? रेवाड़ी का, ठीक है, ध्यान रहेगा सबको। यानी कि मैं दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस शहर, किस जिले की है, तो फरीदाबाद की है। सबसे कम किसकी है? पंचकुला की है। सबसे ज्यादा पुरुषों की जनसंख्या कहां पे है? भिवानी के अंदर है। सबसे ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या कहां पे है? फरीदाबाद के अंदर है। समझ रहे हैं सारे? इसके बाद अगर हम बात करें किसकी जनसंख्या घनत्व की, यानी एक किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, तो हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है वो 573 है, यानी 573। एक किलोमीटर में हरियाणा में कितने लोग रहते हैं? 573। और अगर इसको भी मैं दो भागों में बांट दूं कि शहरी जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, ग्रामीण कितना है, तो शहरी जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, 4,475 लोग रहते हैं एक किलोमीटर के अंदर। देखो कितना डिफरेंस है, पूरे हरियाणा का कितना? 573, और ओनली सिर्फ शहरों का कितना है? 4,475, और ग्रामीण क्षेत्र का कितना है? 391 ओनली, यानी कि पूरे जनसंख्या घनत्व से भी काफी कम है, 391 लोग एक किलोमीटर में गांव में रहते हैं। क्लियर है?
तो ये आपका क्या था, जनसंख्या घनत्व था। अगर सेक्स रेशियो की बात करें यानी लिंगानुपात की अगर बात करें, सेक्स रेशियो का मतलब है 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो 1000 पुरुषों के पीछे, आपको पता ही है सबको, हरियाणा बहुत बदनाम है इस चीज के लिए। तो हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 879, यानी कि 879। और अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र का काफी सुधार है थोड़ा सा, 882। और शहरी क्षेत्र की बात करें तो कितना है, 873 आपका सेक्स रेशियो है। और अगर जिले वाइज हम लोग बात करेंगे, हरियाणा का लिंगानुपात वाला सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मेवात का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है 907। और उसके सबसे कम की अगर बात करें तो गुरुग्राम का है 854। दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूं, पूरे हरियाणा का सेक्स रेशियो कितना है, 879। ग्रामीण क्षेत्रों का देखें, गांव में आज भी थोड़ी मानवता जिंदा है, 882। शहरों का कितना है, 873। मेवात का कितना है, 907 सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किसका है, गुरुग्राम का 854, ठीक है, ध्यान रहेगा सबको। चलिए इसके बाद बात करते हैं साक्षरता दर की, यानी लिटरेसी रेट की, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो पूरे हरियाणा की 75% जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है, 75% जनसंख्या हरियाणा की पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, ठीक है। और उनमें से जो सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम जो साक्षरता दर है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो गुरुग्राम के हैं। कहां के हैं, गुरुग्राम के, यानी कि जो आपका लिंगानुपात है उसमें सबसे पीछे है गुरुग्राम, लेकिन साक्षरता में सबसे आगे है। तो गुरुग्राम की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है और सबसे कम मेवात की है, यानी उल्टा है, लिंगानुपात मेवात का सबसे ज्यादा है, लेकिन जो सेक्स रे एजुकेशन अगर हम लोग वो देखें, दर देखें, साक्षरता दर देखें, तो वो सबसे कम है मेवात की। अगर उसके बाद बात करूं मैं कि कई बार ये भी पूछ लेता है कि पुरुष सबसे ज्यादा साक्षर कहां है या महिलाएं सबसे ज्यादा कहां साक्षर है, तो महिलाएं जो सबसे ज्यादा साक्षर है वो कहां के हैं, फरीदाबाद की, यानी सबसे पढ़ी लिखी महिलाएं किस जिले की हैं, फरीदाबाद की। और सबसे कम पढ़ी लिखी कहां की है, मेवात की। अगर हम पुरुषों की बात करें तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष कहां के हैं, रेवाड़ी के हैं, और सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहां के हैं, मेवात के। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यहां से हमने आपको बताया कि हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है, ग्रामीण पॉपुलेशन कितनी है, शहरी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा वीडियो को रोक के बैक करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस फैक्चुअल डाटा से एग्जाम में एक आध क्वेश्चन हमेशा मिलता है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, समझ पा रहे हैं सारे? किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप फिर से इसको पीछे ले जाकर के वीडियो को दो बार सुनिए, तीन बार सुनिए। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो एक आपका रिवीजन के पर्पज से बनाई गई है, ताकि जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए समय नहीं है अभी, वो दो तीन घंटे में बैठ के इस वीडियो को दो बार देख सकते हैं, ताकि बहुत सारी जानकारियां उनके दिमाग में घुसे। और मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि आपका ध्यान में इस तरफ आकर्षित कर पाऊं, ठीक है। चलिए अब तो मैंने इसमें बताया आपको कि पॉपुलेशन मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, शहरी कितनी है, ग्रामीण कितनी है। उसके बाद हमने जिक्र किया कि किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, किसकी कम है। उसके बाद हमने देखा कि जनसंख्या घनत्व किसका कितना है, सेक्स रेशियो लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर कितनी है। और एक छोटी सी बात और यहां से मैं बता दूं, ग्राम पंचायतें, ठीक है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं वो यमुनानगर के अंदर है, समझ रहे हैं? यानी ग्राम पंचायतों की सबसे ज्यादा संख्या कहां है, यमुनानगर के अंदर, और सबसे कम कहां है, फरीदाबाद के अंदर। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो ये कुछ फैक्चुअल सी बातें थी 2011 के पॉपुलेशन पर बेस्ड थी, जो आपको पता होनी चाहिए, जहां से अक्सर पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है सबको? तो दो चार बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा हमने हिस्ट्री जानी, हरियाणा बना कैसे, डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना, डिवीजन हमने जान लिया, पुलिस कमिश्नर, पुलिस रेंज जान ली हमने, कितनी सीटें हैं हरियाणा में ये जान ली, हरियाणा का राजकीय पक्षी पशु ये सब बातें हमने पढ़ ली, बाउंड्री पूरी की पूरी सीमाएं हम लोग जान चुके हैं, और हरियाणा की पॉपुलेशन से रिलेटेड जितना भी फैक्ट था वो सब चीजें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें हरियाणा के सीएम, मुख्यमंत्री, गवर्नर, ठीक है, एडवोकेट जर्नल्स, या इन सब से भी पेपर में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो वो कौन सी बातें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, उन सब का भी जिक्र मैं यहां करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अगर मुख्यमंत्रियों की, और कौन कौन सी पार्टी से हैं, कौन कौन सी बनी, किसकी सरकारें आई, इनसे रिलेटेड एक सवाल पेपर में अक्सर आ जाता है, तो उन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं सीएम की बात करूं, हरियाणा का जो पहला सीएम था उनका नाम था पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगर समझ में, क्या था, पंडित भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा, जिनके नाम से ये आपकी पीजीआईएमएस रोहतक है, वहां कॉलेज भी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम से। तो ये हरियाणा के पहले सीएम थे पंडित भगवत दयाल शर्मा।
जिनका संबंध हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी से था। आगे समझे कहां से थे, बेरी से। पेपर में एक सवाल यह भी पूछा गया बहुत बार कि इनका संबंध कौन सी पार्टी से था, तो इनका संबंध था INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले CM थे। पार्टी कौन सी थी इनकी, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले CM, समझ रहे हैं संबंध कहां से, बेरी झज्जर। उसके बाद हरियाणा के दूसरे CM बने राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, कौन बने, मैं सब CMs का जिक्र नहीं करूंगा, जहां से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितने भी NMS सारे गवर्नर्स का जिक्र करने वाला हूं, ये हमने एक रिवीजन के माध्यम से बनाई है, तो इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं सब बातों का जिक्र कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कंप्लीट पढ़ना है तो पहले बुक पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट आपको सेकंडों के हिसाब से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जो दूसरे CM थे हरियाणा के, दूसरे मुख्यमंत्री, वो थे राव वीरेंद्र सिंह। ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, समझ रहे हैं, ये भी पेपर में अक्सर सवाल आया। तो राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले क्या थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री। इनकी पार्टी का नाम था विशाल हरियाणा पार्टी, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, कौन सी पार्टी थी इनकी, विशाल हरियाणा पार्टी। तो ध्यान रखिएगा कौन, राव वीरेंद्र सिंह, क्लियर है सबको। तीसरे जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, वो थे चौधरी बंसीलाल। आगे समझे, बंसीलाल जी के बारे में आधुनिक हरियाणा का निर्माता बंसीलाल जी को कहा जाता है, हरियाणा का लोह पुरुष अगर पूछे किसको कहा जाता है तो वो बंसीलाल है। हरियाणा का आधुनिक हरियाणा का निर्माता बंसीलाल, लोह पुरुष बंसीलाल। ठीक है, और बंसीलाल जी सबसे कम उम्र के बनने वाले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, सबसे युवा उम्र में बैठने वाले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो कौन थे, चौधरी बंसीलाल बन गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे हरियाणा के, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, तो ये दो तीन बार मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, और इसके बाद इन्होंने एक छोटा सा तथ्य और इनके बारे में, छोटी सी बात है कि एक ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल, यानी कि 7 साल एक बार वोट पड़े, और उसके बाद एक ही कार्यकाल इनका कितने साल का था, 7 साल का। तो ऐसा कारनामा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, तो 1991 में इन्होंने क्या किया था, अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी जिसे हरियाणा विकास पार्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सी पार्टी बनाई, हरियाणा विकास पार्टी, लड़का लड़की उसका चुनाव चिन्ह होता था। और 1996 में उसी हरियाणा विकास पार्टी से इनकी सरकार बनी और ये फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने 1996 में, और 1996 में इन्होंने शराबबंदी भी करी थी। तो अगर ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में शराबबंदी करने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है, तो वो चौधरी बंसीलाल है। और 1998 में वो खत्म हो गई थी, ठीक है, उसको हटा दिया था, शराबबंदी को हटा दिया था। और दूसरी एक और बात नॉर्मली ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया ग्रुप डी के बहुत सारे सेटों में कि तमिल लैंग्वेज को द्वितीय भाषा का दर्जा देने वाला मुख्यमंत्री कौन था, तो हरियाणा में ऐसा कारनामा करने वाला मुख्यमंत्री कौन था, चौधरी बंसीलाल थे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे चौधरी बंसीलाल के बारे में। आजकल इन्हीं के घराने से आगे इन्हीं दोबारा कांग्रेस में विलय हो गया, अपनी पार्टी को खत्म करके इन्होंने, ठीक है, और जो इनके पुत्र थे, दो पुत्र भी इनके, एक चौधरी सुरेंद्र सिंह और एक रणवीर महिंद्रा, रणवीर महिंद्रा जो BCCI के अध्यक्ष भी रहे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। और जो चौधरी सुरेंद्र सिंह थे उनका शायद आपको पता नहीं होगा, थोड़ा अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं तो हम लोग भी बच्चे ही होते थे तब न्यूज़पेपर में कभी हेडलाइन ये पढ़ी थी कि जो चौधरी सुरेंद्र सिंह है और नवीन जिंदल के पिताजी जो बड़े उद्योगपति है ओम प्रकाश जिंदल, इन दोनों की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी, चौधरी सुरेंद्र सिंह और उनकी। तो फिर बंसीलाल का भी देहांत हो गया था पहले, तो उसके बाद फिर हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भी लगा, बंसीलाल जी के 1.5 साल शासन किया था, तुरंत फिर राष्ट्रपति शासन में लग गया था हरियाणा में। तो बेसिकली ध्यान रखना हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967, 77 और 1991 में, 1967, 1977 और 1991 हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। उसके बाद एक चर्चित मुख्यमंत्री आए बहुत, चौधरी देवीलाल, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, चौधरी देवीलाल 1914 में पैदा हुए थे राजस्थान में। ठीक है, कांग्रेस की सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था, चलो ये खैर राजनीतिक बातें, इन सब का जिक्र नहीं करेंगे हम लोग। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल पहली बार 1977 के अंदर। ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इन्होंने बनाई थी, जो इसके बाद इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के टाइम पे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। तो 1977 में मुख्यमंत्री बने थे पहली बार चौधरी देवीलाल, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इन्होंने बनाई थी, और इनको हरियाणा में ताऊ के नाम से जाना जाता है, लोकराज लोकलाज से चलता है, ये नारे इन्होंने दिए। ठीक है, हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन लागू करने वाला मुख्यमंत्री कौन था, चौधरी देवीलाल थे, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। और देश का हरियाणा का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जो देश का उप प्रधानमंत्री भी बना, 1989
90 के अंदर देश के उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले पहले आदमी भी कौन थे हरियाणा से, वो थे चौधरी देवीलाल। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। वृद्धावस्था पेंशन लागू करी इन्होंने, ये सब सारी चीजें। उसके बाद फिर 79 में बने थे पहली बार भजन लाल, चौधरी भजन लाल, ये भी हरियाणा की राजनीति के एक मुख्य सूत्रधार है। ठीक है, चौधरी भजन लाल, जिनके पुत्र आजकल चौधरी कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने एक अलग से पार्टी बनाई थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, उसका भी विलय हो गया, कांग्रेस में ही शामिल हो गए वो। तो चौधरी भजन लाल के बारे में सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि ये हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबसे ज्यादा टाइम तक बैठने वाले मुख्यमंत्री हैं। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा टाइम तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला आदमी कौन है, चौधरी भजन लाल। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखना। बिश्नोई समाज इनको बहुत मानता है, बिश्नोई समाज भगवान विष्णु को बहुत मानता है, तो ये बिश्नोई थे, इनके बारे में ये तथ्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला 87 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। ओम प्रकाश चौटाला जो तिहाड़ जेल में आजकल, ठीक है, जो जेबीटी घोटाले में उनको सजा है 10 साल की हुई है, तो अब उनके बाद उनके पुत्र जो चौधरी अभय सिंह चौटाला है वो इनेलो को संभालते हैं, और उन्हीं के जो दूसरे पुत्र थे चौधरी अजय सिंह चौटाला, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अपनी एक नई पार्टी बनाई है, जननायक जनता दल, दुष्यंत सिंह चौटाला ने। ठीक है, तो एक नई पार्टी का उदय भी हुआ हरियाणा में। ठीक है, तो ये ओपी चौटाला के बारे में फेमस ये है कि सबसे ज्यादा 5 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है इन्होंने। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले लोगों में अगर किसी का नाम आता है तो वो कौन है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ये 5 बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, इसके बाद अगर हम एक और लोकप्रिय मुख्यमंत्री की बात करें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके पिताजी रणवीर सिंह हुड्डा एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और ऐसा भी माना जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था इंडिया का तो उसके कोई अगर कोई मेंबर थे तो वो रणवीर सिंह हुड्डा ही थे, हरियाणा की तरफ से एकमात्र। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004 से लेकर के 2014 तक लगातार 10 साल तक हरियाणा की गद्दी पर बैठने वाले पहले मुख्यमंत्री है। देखो 3-4 फैक्ट है कि सबसे ज्यादा एक ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा कौन, चौधरी बंसीलाल, लगातार 10 साल रहने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाला ओम प्रकाश चौटाला, सबसे ज्यादा बार उस कुर्सी भी बैठने वाला, सबसे लंबे समय तक बैठने वाला भजन लाल। ठीक है, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद करंट में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, श्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री है आज के टाइम पे, क्लियर है सबको, और करनाल से ये विधायक हैं, और इन्होंने गांव गोद ले रखा है कैथल में, क्योड़क गांव, और इन्होंने भी एक पेंशन योजना शुरू की है। जैसे चौधरी देवीलाल जी ने वृद्धावस्था पेंशन शुरू की थी, तो जो मोहनलाल खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने विदुर पेंशन योजना शुरू की है। विदुर पेंशन मतलब जिनकी पत्नियों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे पतियों को अब पेंशन मिलेगी, तो ये योजना शुरू करने वाले हमारे कौन है, मनोहर लाल खट्टर। तो ये हरियाणा के सीएम्स के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, जहां से अक्सर पेपर में सवाल पूछ लेता है, तो ये हिस्सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं गवर्नर्स की, ठीक है, तो गवर्नर्स के बारे में देखो बहुत बार ये भी पूछ लेता है कि गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है। ठीक है, गवर्नर को कौन चुनता है, कौन इलेक्ट करता है या कौन हटा सकता है, तो गवर्नर को इलेक्ट करने वाला, हटाने वाला कौन होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ही गवर्नर चुनता है राज्यपाल को, और राज्य का पहला जो आदमी होता है, जैसे देश का पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है, तो ऐसे राज्य का पहला नागरिक कौन होता है, गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, और वही उसको चुनता कौन है, राष्ट्रपति चुनते हैं, और उनका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, 1 साल 2 साल 5 साल उनकी मर्जी है, जितने टाइम तक रखें रखें, उसके बाद हटा दें। तो जो हरियाणा है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, श्री धर्मवीर जी। ठीक है, श्री धर्मवीर जी हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। उसके बाद हरियाणा के दूसरे नंबर के राज्यपाल कौन हुए, बी एन चक्रवर्ती। हरियाणा के दूसरे राज्यपाल कौन, बी एन चक्रवर्ती, और सबसे लंबे समय तक राज्यपाल भी रहे हैं बी एन चक्रवर्ती। अगर यह पूछा जाए आपसे पेपर में सवाल कि हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किनका रहा, तो वो कौन थे, बी एन चक्रवर्ती थे। और आज की अगर मैं बात करूं तो हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, ये हरियाणा के राज्यपाल है। तो इनसे भी आपको चीजें पूछी जा सकती है पेपर में, वो भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद बात करूं विधानसभा के अध्यक्ष की, तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थी, विधानसभा की अध्यक्ष थी कौन, सन्नो देवी। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष सन्नो देवी। अगर अगर मेल की बात करें, सबसे पहले मेल अध्यक्ष कौन बने, तो वो राव वीरेंद्र सिंह थे। ठीक है, महिला अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी, हरियाणा की पहली अध्यक्ष भी वही थी, और मेल बनने वाले कौन थे, राव वीरेंद्र। और अगर वर्तमान की बात करें तो कंवरपाल जी। ठीक है, कंवरपाल जी हमारे क्या हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष जी हैं संतोष यादव जी, जो अटेली महेंद्रगढ़ से हैं। और अगर
विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल देखा जाए तो वो किसका है, तारा सिंह जी का है, ठीक है। तो ये हरियाणा के राज्यपाल से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें मुख्य न्यायाधीश की या जनरल एडवोकेट जनरल की, तो सबसे पहले जो जनरल एडवोकेट थे वो कौन थे हरियाणा के, आनंद बाबू स्वरूप, हरियाणा के पहले जनरल एडवोकेट। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति रामलाल, ठीक है, कौन थे, न्यायमूर्ति रामलाल। और करंट में अगर बात करूं तो हरियाणा के जो वो है कृष्ण लाल मुरारी। और सुप्रीम कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट के कौन है वो भी ध्यान होना चाहिए आपको कौन है, ठीक है। तो करंट में कौन है, हरियाणा के कौन है, कृष्ण लाल मुरारी, ठीक है, ध्यान रखिए सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हरियाणा की कुछ एक करंट इन्फॉर्मेशन थी सीएम राज्यपाल के बारे में, जहां से पेपर में अक्सर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ कि हरियाणा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरियाणा के नेशनल पार्क, झील, प्रजनन केंद्र, नदियां, बांध, वन, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। पहाड़ियां, ये वो सब चीजें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क से, ठीक है। नेशनल पार्क, हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है, तो हरियाणा में दो नेशनल पार्क है। पहला आपका नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है, कहां, गुरुग्राम के अंदर है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां है, गुरुग्राम के अंदर। पहले ये एक पक्षी विहार होता था, ठीक है, क्या होता था, एक पक्षी विहार होता था, एकमात्र पक्षी विहार था, तो इंदिरा गांधी जी के काल में तब, तो फिर इसको एक नेशनल पार्क का रूप देने का निर्णय लिया गया और अंत में ये काम पूरा हुआ राजीव गांधी जी के काल में। तो 1989 में ये बना, नेशनल पार्क बन गया था सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क 1989, ठीक है। अब इसको बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, ठीक है, और यह किस लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान है डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली एक बहुत बड़े एरिंथोलॉजिस्ट थे, एरिंथोलॉजी होती है पक्षी विज्ञान को हम लोग एरिंथोलॉजी कहते हैं, और उसको उसके बारे में जो अध्ययन करता है उसको एरिंथोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो डॉक्टर सलीम अली, जिनको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था सुल्तानपुर नेशनल पार्क को बनाने में। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, साइबेरियन सार्स के लिए, ठीक है। अक्टूबर नवंबर के महीने में साइबेरिया से पक्षी आते हैं, सार्स पक्षी की एक प्रजाति है, वो यहां आते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में, जो पर्यटकों के मोह का जो एक केंद्र होता है वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में होता है, ठीक है। जो दूसरा नेशनल पार्क है वो है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय पार्क, ये आपका यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। ये राष्ट्र जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है उससे बड़ा है, और कहाँ है ये, यमुनानगर के अंदर है। और ये किस लिए फेमस है, अगर आपसे ये पूछे तो ये लाल जंगली मुर्गे के लिए फेमस है, किस लिए फेमस है, लाल जंगली मुर्गे के लिए। तो ये दो नेशनल पार्क है, बड़ा है कलेसर, एक सुल्तानपुर है गुरुग्राम के अंदर, वो साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध, और कलेसर लाल जंगली मुर्गे के लिए, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, क्या, वन्य जीव अभयारण्य है हरियाणा के अंदर, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कहां कहां है। तो सबसे पहले अगर बात करें, एक तो सबसे पहले कौन सी है, कलेसर, ठीक है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका कहां है, यमुनानगर के अंदर। देखो नेशनल पार्क भी है कलेसर के अंदर, और एक कलेसर के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, दोनों के दोनों कहां है, यमुनानगर के अंदर, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें वीर शिकारगढ़, ठीक है, ये कहां पड़ता है आपका, पंचकुला, कभी आप नाडा साहिब जाएंगे तो नाडा साहिब से थोड़ा सा इधर की तरफ देखना, एक ऊपर पुल सा बना हुआ है, ठीक है, उसके नीचे से जब आप निकलेंगे तो वो आप हमारी क्या है, वो पूरी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वीर शिकारगढ़ के नाम से। और एक दूसरा भी है खोल ही रेतान, ठीक है, कौन सा, खोल ही रेतान, ये भी आपका पंचकुला में पड़ता है, क्लियर है बच्चे, ठीक है। उसके बाद बात करें तो झज्जर के अंदर आपके दो है, एक भिंडावास, ठीक है, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, और एक खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य, दोनों के दोनों कहां है आपके, झज्जर के अंदर है। और जो भिंडावास है ये अपनी सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर झील है, किसके अंदर, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य के अंदर, ठीक है। फिर आपका एक बीरबारा, बीरबारा कहां पे है बच्चे, जींद के अंदर आपका, कौन सा है, बीरबारा, ठीक है। और फिर एक आपका अबूब शहर, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका कहां है, ये सिरसा के अंदर है। और मैं आपको बता दूं जितनी भी हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य है उन सब में सबसे बड़ा जो है वो अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य है, ये सिरसा के अंदर है आपका, कहां है, सिरसा के अंदर। और ये किस लिए फेमस है, ये काला तीतर के लिए फेमस है, कौन सा, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। इसके बाद बात करूं छिलछिला, छिलछिला आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है, ये मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वो अलग है, वो मगरमच्छ प्रजनन के अंदर है, भोर सदान कुरुक्षेत्र के अंदर, उसके बारे में बताएंगे। ये आपका छिलछिला,
उसके बाद आपका एक सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है जिसे हम सोनसार भी कहते हैं, वो कैथल के अंदर है, ठीक है। तो ये कुछ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो हरियाणा में है, दो तीन फेमस है, वो ध्यान रखिए। कई बार पूछ लेता है कि फला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से जिले में है, ये कौन से है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, क्लियर है। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बाद बात करते हैं प्रजनन केंद्र की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, प्रजनन केंद्र की। तो एक आपका चिंकारा प्रजनन केंद्र है, चिंकारा, कौन सा, चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये कहां है, ये आपका कैरू के अंदर है, कैरू, कैरू भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है, भोर सदान, अभी मैंने आपको बताया। एक आपका क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छिलछिला, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। एक आपका प्रजनन केंद्र है, कौन सा, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये भोर सदान, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। एक आपका ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र है, ये आपका पिपली के अंदर है, कुरुक्षेत्र में। एक आपका मयूर एंड चिंकारा, ये झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है, मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये झाबुआ रेवाड़ी में है। गिद्ध संरक्षण एवं मयूर प्रजनन केंद्र, ठीक है, ये आपका कहां पे, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये कहां पे, आपका पिंजौर कालका के अंदर। और रेड जंगल फाउल, कौन सा, रेड जंगल फाउल, ये भी आपका पिंजौर पंचकुला के अंदर है। एक फिसेंट, ये भी आपका मोरनी पंचकुला के अंदर है। तो ये कुछ आपके क्या थे, प्रजनन केंद्र थे। तो अभी हमने जाना नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और प्रजनन केंद्र कौन सा हरियाणा में कहां है। चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और हरियाणा के जितनी भी आपकी जो प्रजनन केंद्र है उन सब के बारे में जाना। तो दो चीजें यहां से मैं छोड़ रहा हूं, उन दोनों का हम जिक्र बाद में करेंगे, एक हरियाणा में रिलीजन से संबंधित और एक हरियाणा की यूनिवर्सिटीज, ठीक है, या मैं इनको पहले ही बता देता हूं आपको, ठीक है, या इसे या बाद में पढ़ लेंगे हम इन दोनों का, भी ज्योग्राफी चल रही है तो इस पूरे को ही कवर कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं कि हरियाणा में पहाड़ियां कौन कौन सी है। हरियाणा में दो तरह की मेन पहाड़ियां मिलती है, एक आपको शिवालिक की पहाड़ियां, एक आपकी अरावली की पहाड़ियां। अगर सबसे पहले बात करूं शिवालिक की पहाड़ियों की, तो ये जो आपका एरिया है पूरा का पूरा पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, यहां आपकी कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं, आपकी शिवालिक की पहाड़ियां, समझ रहे हैं, कौन सी शिवालिक की पहाड़ियां, कौन सी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये पूरा एरिया आपका किससे किसका है, शिवालिक की पहाड़ियों का। 1.67% भूमि पर, यानी 1.67% भूमि पर आपकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी कौन सी पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां हैं। अवसादी चट्टाने यहां बहुत मिलती हैं, कौन सी चट्टाने, अवसादी चट्टाने। और हिमालय का सबसे नववलित पर्वत, यानी कि हिमालय जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ये हिमालय पर्वत का अवशिष्ट भाग है, ठीक है, कहां मिलता है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के अंदर, ठीक है। तो इसको संस्कृत में मनक पर्वत नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, मनक पर्वत नाम से। ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियां पूरे की पूरी। और इसमें आपकी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो कौन सी है, करो, ठीक है, कौन सी है, करो, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर। और यहाँ जो आपकी पथरीली भूमि मिलती है बहुत, और यहाँ आपके जो चीड़ के या उनको बोलते हैं हम लोग, ये वृक्ष मिलते हैं आपके बहुत ज्यादा, पाइन के, चीड़ के वृक्ष मिलते हैं इधर की तरफ। तो ध्यान रखिएगा ये आपका पूरा का पूरा रेंज कौन सी है, ये शिवालिक की पहाड़ियां। दूसरी आपकी अरावली की पहाड़ियां जो हरियाणा के दक्षिण में मिलती है, ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, ये हरियाणा का दक्षिण है। तो यहाँ आपकी सारी कौन सी पहाड़ियां मिलती है, ये अरावली की पहाड़ियां मिलती है। ये सबसे प्राचीनतम पर्वत हम मान सकते हैं, एक मृत जो ज्वालामुखी होता है उसका रूप है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी आपकी वो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है, कुलतांजपुर में ढोसी की पहाड़ी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अरावली जो शिवालिक की पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी करो, और अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी नारनौल, कुलतांजपुर, महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सी है, ढोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 562 मीटर। यहाँ महर्षि चवण ने बैठ के ऐसा माना जाता है कि तपस्या की थी। तो ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये आपकी कहाँ मिलेगी आपको, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूम, फरीदाबाद और पलवल, ये सारा का सारा एरिया, ये दक्षिणतम एरिया, यहाँ आपकी अरावली के पहाड़ियां मिलती है, सबसे ऊंची चोटी डोसी की पहाड़ी, और ये आपकी शिवालिक की पहाड़ी। तो दोनों की दोनों चीजें आपको ध्यान में रहेगी, किसी तरह की कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हरियाणा में वन, ठीक है, हरियाणा में वन, वन कहाँ मिलते हैं हरियाणा में। देखो जब हरियाणा आज बना था 1966 के अंदर, 1966 में हरियाणा जब बना, तो हरियाणा की 3.9% भूमि पर वन थे। कितना, 3.9% भूमि पर वन थे। और आज कितनी भूमि पर वन है, 6.8% भूमि पर हरियाणा के वन है। ऐसा माना राष्ट्रीय जो वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 20% भूमि पर वन होना जरूरी है। किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य की
जो 20% भूमि है उस पर वन होना जरूरी है, लेकिन हरियाणा का जो लक्ष्य है वो कितना है, 10% ही है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया पेपर में, जो वन है वो 1966 में कितने थे, 3.9%, आज कितने हैं, 6.8%, और जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना है, 10%। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा की भूमि बहुत ही उपजाऊ है। तो टोटल 16,000 हेक्टेयर भूमि पर वन है, कितने हजार, 16,000 हेक्टेयर भूमि पर वन मिलते हैं हरियाणा के अंदर। दो तरह के वन बेसिकली मिलते हैं, एक तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, यानी ये मैदानी भागों में, देखो उष्ण कटिबंधीय पहले ही पता चल रहा है कि जहां वर्षा कम होती है, जहां 20 से 40 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है, वहां इस तरह के वन मिलते हैं। और इन वनों में जो मुख्य पेड़ है वो शीशम है, पीपल है, आम, नीम, लसोड़ा, ये सारे के सारे आपके मिलते हैं। और जो उपोषण कटिबंधीय वन है, दो तरह के, एक उष्ण कटिबंधीय है जहां कम वर्षा होती है मैदानी भागों में मिलते हैं, एक उपोषण कटिबंधीय जहां थोड़ी अच्छी वर्षा होती है पहाड़ी क्षेत्रों में आपके, और वहां कौन से वृक्ष मिलते हैं, पाइन, चीड़ के, ठीक है, चीड़ के वृक्ष ज्यादा मिलते हैं, जहां थोड़ी सी वर्षा ज्यादा होती है वहां आपके उपोषण कटिबंधीय वन है। इसके बाद बात करें और क्या बातें इनसे पूछी जा सकती है आपसे, सर्वाधिक वन हरियाणा के कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक वन हरियाणा के पंचकुला क्षेत्र में मिलते हैं आपको। पंचकुला जिले में सर्वाधिक वन मिलते हैं, 400 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करते हैं लगभग वन पंचकुला के अंदर। और सबसे कम वन आपके फतेहाबाद पानीपत में मिलते हैं, यानी कि सबसे कम फतेहाबाद, उसके बाद फिर पानीपत का नंबर आता है, ठीक है। हरियाणा की भूमि बहुत ही उपजाऊ वन है, तो बहुत कम वन मिलते हैं हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा पंचकुला, सबसे कम फतेहाबाद। और कितना 1966 में कितना था, 3.9%, आज कितना है, 6.8, लक्ष्य कितना रखा गया, 10%, क्लियर है, ध्यान रहेगा। इसके बाद जिक्र करूं झाड़ियों का, ठीक है, किसका, झाड़ियां। तो हरियाणा के टोटल 145 वर्ग किलोमीटर भूमि पर झाड़ियां मिलती है, ठीक है। और सर्वाधिक अगर झाड़ियों की बात करें तो गुरुग्राम में मिलेगी आपको, 50 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग झाड़ियां हैं, कहां, गुरुग्राम के अंदर। और दूसरे नंबर पे पंचकुला आता है झाड़ियों में, और कुछ जिले ऐसे भी हैं जैसे जींद जिला जहां बिल्कुल भी झाड़ियां नहीं है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जहां बिल्कुल भी झाड़ियां नहीं है, तो ऐसा जिला कौन सा है, जींद जिला। और सबसे ज्यादा कहां है, गुरुग्राम के अंदर, दूसरे नंबर पे पंचकुला, ठीक है। और दो विशेष पर्यावरण न्यायालय भी है, कोर्ट भी है हरियाणा के अंदर, ठीक है, एक हिसार और एक फरीदाबाद, ठीक है। एक बार एक विशेष सत्र लगा था करनाल के अंदर, लेकिन जो दो कोर्ट हैं परमानेंट वो हिसार और फरीदाबाद के अंदर है। कौन से, विशेष पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में कहाँ है, हिसार और फरीदाबाद। और एक बार एक स्पेशल स्तर आयोजित किया गया था, वो कहाँ था, स्तर था आपका करनाल के अंदर। तो ये थी हरियाणा में वन, झाड़ियाँ, और कौन कौन सी, जो पर्यावरण न्यायालय कहाँ पे है। और इससे पहले हमने पढ़ा कि जो आपकी पहाड़ियाँ हैं सारी की सारी, शिवालिक की पहाड़ियाँ, उनकी सबसे ऊंची चोटी और कहाँ है, और अरावली की पहाड़ियाँ इनकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, ये सब चीज़ें जानी हमने, ठीक है। इसके बाद अगर बारिश की बात करें, वर्षा की बात करें, ठीक है, या मिट्टी की बात करें, अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी मैंने यहाँ लिया नहीं है इतना अभी, अगली वीडियो, एक वीडियो और बनाएंगे जहाँ से दो चार टॉपिक हम छूट गए तो वो उस वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिट्टी से अगर सिंपल सा सवाल पूछा जाए तो आप ध्यान रखना कि हरियाणा की जो मिट्टी है वो रेतीली दुमिट्टी मिट्टी है, ठीक है, कौन सी है, रेतीली दुमिट्टी मिट्टी। अगर वर्षा की बात करूं तो उत्तर पूर्व में इस हिस्से में आपकी सबसे ज्यादा वर्षा होती है, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, जो आपका दक्षिण पश्चिम हिस्सा है ये वाला हिस्सा है, इसमें कम बारिश होती है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, जो उत्तर आपका उत्तर पूर्व है, ये पूरा का पूरा करनाल, पानीपत, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, इस हिस्से में ज्यादा बारिश होती है, और जो आपका ये दक्षिण पश्चिम हिस्सा है इस हिस्से में आपकी कम बारिश होती है, ठीक है। तो हरियाणा में औसत 45 सेंटीमीटर बारिश होती है, कितनी, 45 सेंटीमीटर। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर हरियाणा में गर्मियों में टेम्परेचर, ये भी पूछा हुआ है पेपर में, छोटे छोटे फैक्ट भी हमने उठाए हैं कि गर्मियों में जो टेम्परेचर रहता है एवरेज टेम्परेचर वो 35 डिग्री, और सर्दियों की बात करें तो वो 12 डिग्री रहता है, ठीक है। सर्वाधिक गर्मी होती है मई जून के महीने में। तो ये सब बातें आपको थोड़े थोड़े से फैक्ट थे जो आपको पता होने चाहिए, क्लियर है। तो वर्षा के बाद हम अगला उठाते हैं आपका खनिज संसाधन, कि कौन सा खनिज हरियाणा के किस हिस्से में पाया जाता है। एक खनिज के मामले में सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, ये जो हिस्सा है आपका महेंद्रगढ़ है, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, इस महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे ज्यादा खनिज अगर हरियाणा में कहीं पाए जाते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं, आपके महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। तो अगर खनिजों से बात करूं, खनिजों का शहर किसे कहते हैं हम, महेंद्रगढ़ के अंदर। कभी आपसे पूछे कि बेराइट, बेराइट, बेराइट हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, नारनौल, महेंद्रगढ़ के अंदर। अब्रक,
अभ्रक आपका सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? नारनौल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। आपका जो काइनाइट है, वर्मिक्यूलाइट है, कैलसाइट है या कच्चा लोहा है, ये सारी चीजें भी आपकी कहाँ मिलती है? ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर मिलती है, ठीक है। यानी बहुत सारी चीजें हैं। तांबा है आपका सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? आपका तांबा भी आपका यही नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलते हैं, ठीक है। चूने का पत्थर है जो आपका महेंद्रगढ़ या रोहतक में मिलता है, ठीक है। और लो अयस्क, ठीक है, दो तरह का, एक तो मध्यम श्रेणी का लो अयस्क हरियाणा मिलता है। तो अगर जब मध्यम श्रेणी के मैग्नेसाइट की बात हो तो वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में मिलता है, और जब निम्न श्रेणी की बात हो तो वो हरियाणा के भिवानी में मिलता है। समझ रहे हैं? इसी के साथ लगता हुआ भिवानी, कम वाला भिवानी और मध्यम लेवल वाला आपका महेंद्रगढ़ में हो गया। जो एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस क्या होता है? ये आग में ना जलने वाला एक खनिज है। तो ये एस्बेस्टस भी आपका कहाँ मिलता है? आपका महेंद्रगढ़ में मिलता है। मैग्नीज आपका ये भी महेंद्रगढ़ में मिलता है। क्वार्टज ये आपका महेंद्रगढ़ के अटेला में मिलता है, या गुरुग्राम का बदरपुर वाला जो क्षेत्र है वहां मिलता है, ठीक है। कुछ तो मोस्टली हरियाणा में ये खनिज जो है आपके कहाँ मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में। कुछ एक चीजें हैं जैसे आपका सीसा है, कलई है, टंगस्टन है, जस्ता है, ये आपके कहाँ मिलते हैं? तोसाम। कौन कौन सी चीजें फिर से सुनिए, सीसा, कलई, टंगस्टन, जस्ता, ये आपका कहाँ मिलते हैं? तोसाम, भिवानी के अंदर है। तोसाम को पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका पूरा भिवानी में है। हिलना पत्थर, ठीक है, हिलने वाला जो पत्थर है, ये कलियाणा, चरखी, दादरी में मिलता है आपका। इसके अलावा जो भवन निर्माण की सामग्रियां हैं, भवन निर्माण की सामग्रियां मोस्टली गुरुग्राम के अंदर मिलती है। बजरी, जो रेवेदार चूना है, बजरी और रेवेदार चूना, वो आपका रोहतक में मिलता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए, हम थोड़ा सा फास्ट बनाना पड़ेगा वरना ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, खनिज वगैरह अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके दोबारा से सुन सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी, क्लियर है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, पहाड़ियां हो चुकी हैं, वर्षा, खनिज संसाधन, वन, झाड़ियां, ठीक है। और अब बात करते हैं झील, हरियाणा में कौन सी झील कहां पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात